how to interview teachers for your school, how to select the best teachers for your school through a process that is called interview, right? Some log interview lete hain teachers ka because teachers are very, very important in a school. Ultimately, you can have the biggest infrastructure, the best curriculum, but if the teachers are not good, your whole quality will suffer. So how do you ensure that whoever teacher comes, jo bhi teacher aapke paas aaye, wo sabse acche ho? Because सिलेक्शन में सब कुछ तो पता नहीं चलता, तो सिलेक्शन करने का प्रोसेस क्या है? तो 10 थिंग्स का ध्यान रखना, 10 चीजों का ध्यान रखना है, बहुत इजी है। आई गो स्टेप बाय स्टेप। दो फेजेस होते हैं टीचर्स के इंटरव्यू में। फर्स्ट इज द इंटरव्यू फेज, जब आप उनका इंटरव्यू लेते हैं अपने ऑफिस में बुला के, उसमें आपको 5 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, सबसे पहले क्या देखना है, आपने उनके क्वालिफिकेशन, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वो सब लोग देखते हैं कि कहां से पढ़े हैं, कितना क्वालिफिकेशन है, उनके मार्क्स कैसे थे, उनका जो बेसिकली आप उनके रिज्यूमे को सर्च कर रहे हैं। नंबर 2 इज द सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, एक तो एक्सपीरियंस है, हाउ मच डू दे नो द सब्जेक्ट मैटर, इसके लिए आप एक टेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। बट बाकी अगर आपको इंटरव्यू में ही लेना है तो उस टॉपिक के कोई एक्सपर्ट को आप इंटरव्यू पैनल पे जरूर रखिए, हु कैन आस्क द टीचर क्वेश्चंस, इन डेप्थ क्वेश्चंस अबाउट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर सब्जेक्ट। नंबर 3 इज द पॉजिटिव एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड क्या है, वो टीचर क्यों बनी है और क्या वो वाकई सिर्फ इसको एक जॉब कंसिडर कर रहे हैं या वाकई आपके स्कूल के बच्चों को दे वॉन्ट टू हेल्प देम, सो राइट, दे आर पैशन अबाउट वॉट दे डू, दे आर पैशन अबाउट ब्रिंगिंग चेंज इन द चिल्ड्रन, सो लुक एट दैट एटीट्यूड। फोर्थ इज हाउ गुड दे आर विद टेक्नोलॉजी, आफ्टर कोविड टूडे टेक्नोलॉजी इज समथिंग विच ऑल ऑफ अस हैव टू हैव इन आवर डेली लाइफ्स, एंड क्लासरूम्स आर नो डिफरेंट, सो वो टेक्नोलॉजी कैसे यूज करते हैं और कितने कंफर्टेबल हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी कैन बी द टीचिंग एड, आपको कॉन्सेप्ट समझाना है आप उसको वीडियो से, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड से यूज कर सकते हैं, सो डज शी नो हाउ टू सर्च, रिसर्च करके यूट्यूब से वीडियोज बैठ करके लेसन प्लान को एंगेजिंग बना सकते हैं, डज शी नो हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट विद द स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई ऐप यूज किया हुआ है, अगर पेरेंट्स कम्युनिकेशन उनको आती है, उनकी इंग्लिश कैसी है कम्युनिकेशन, सो लुक एट दैट टेक्नोलॉजी प्रोफिशिएंसी, वो कितना कंफर्टेबल है, और टुडे इज ऑल द टाइम ऑफ सोशल मीडिया एज वेल, सो कैन शी हैज शी क्रिएटेड सम वीडियोस इन द क्लासरूम जो कल को सोशल मीडिया पे डाले गए, उससे स्कूल की बहुत अच्छी यू नो विजिबिलिटी बनी और नाम बना स्कूल का, सो लुक एट टेक्नोलॉजी प्रोफिशिएंसी उनका। द फिफ्थ पार्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, जो बहुत अक्सर लोग भूल जाते हैं, इज द कल्चर ऑफ द स्कूल, बिकॉज सी टीचर्स में आपस में बहुत टाइम होता है आपस में, तो एक भी टीचर नेगेटिव आ जाती है तो पूरा स्कूल का कल्चर खराब होना शुरू हो जाता है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट शी अंडरस्टैंड्स द कल्चर ऑफ द स्कूल, दैट ही और शी अंडरस्टैंड्स, और आपके जो कल्चर है स्कूल का उनका अलाइनमेंट होना चाहिए कि आपका क्या विजन है, आप कैसे पढ़ाना चाहते हैं, क्या कल्चर, क्या एनवायरमेंट है टीचर्स के आपस में, बच्चों के साथ क्या रिलेशनशिप है, उनका अलाइनमेंट होना चाहिए, और ये बहुत ईजी नहीं है, बिकॉज आप सीधा पूछेंगे तो येस बोलेंगे, बट आपको थोड़े से क्वेश्चन इन डेप्थ पूछने पड़ेंगे जिससे आपको आइडिया होगा कि वाकई ये पर्सन कैंडिडेट है मेरे स्कूल के कल्चर में फिट हो जाएंगे या उसको खराब करेंगे, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंटरव्यू हो गया, आप यू लाइक द कैंडिडेट, नेक्स्ट स्टेप इज इसके बाद ऑफर नहीं देना, जो एक स्टेप लोग अक्सर भूल जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, डेमो क्लास, आप उनको कहिए कि एक लेसन, एक जो भी वो पढ़ाते हैं, आस्क देम टू कम प्रिपेयर्ड विद अ लेसन प्लान फॉर टू टीचिंग वन, एक क्लास का 40 मिनट्स का एक पीरियड उनको दे सकते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट होने से पहले आप उनका लेसन प्लान, जब वो आए, गिव देम अ डे और टू डेज दे सकते हैं, आस्क देम टू कम प्रिपेयर्ड, एंड उसको आप उनके लेसन प्लान को स्टडी करो कि वाकई उन्होंने कुछ इनोवेटिव किया है या बस वो बुक से ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाले हैं और बस कॉपी और क्लास वर्क होमवर्क कॉपी वैसा कुछ होमवर्क है या कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग है, और स्पेशली आपकी अगर फिलोसफी कैसी है उससे मैच करना चाहिए, सो लुक बिफोर द क्लास स्टार्ट्स, लुक एट द लेसन प्लान्स, ये ना हो कि टीचर जाए और अच्छे से पढ़ाए ना, बच्चे ही पेरेंट्स बोलेंगे पता नहीं आज कौन आया और ठीक से पढ़ाया नहीं, मैं हमारा टाइम वेस्ट हो गया, सो एटलीस्ट एक बेसिक फिल्टर क्लास में जाने से पहले आप जरूर चेक कर लें कि उनका क्लासरूम प्लान क्या है। नंबर 2 इज उनकी क्लासरूम मैनेजमेंट देखो कि वो जो बच्चे नॉटी हैं, बच्चे भाग रहे हैं, कोई शुरू में टीचर के कंट्रोल में नहीं आते हैं, तो वो जो बच्चे हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं, डज शी नो हाउ टू हैंडल डिसरप्टिव बिहेवियर, उसको तरीके से बच्चों को खासकर जो बहुत एक्टिव है उनको लेके आना, उनको फोकस कराना, बच्चे जो बहुत क्वाइट हैं उनसे वो कैसे उनके साथ यू नो डायनामिक्स क्या है। थर्ड थिंग इज दैट यू हैव टू लुक फॉर इज कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है आपको नॉलेज बहुत है बट कैन यू कम्युनिकेट, टीचर क्या कम्युनिकेट कर पाती है बच्चों के साथ जो वो कहना चाहती है, बिकॉज वर्बली करते हैं, हैंड्स ऑन लर्निंग करने वाले हैं, ऑडिटरी करने वाले हैं, विजुअली करने वाले, बोल के करने वाले, कैसे, बिकॉज जो मैसेज है, जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल, बिकॉज जो भी प्लान करो और वो तो ऐसा होता नहीं लाइफ में,
सो सिमिलरली क्लासरूम में भी ऐसा ही होता है, जो आप प्लान करके वैसा नहीं जाता, कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए थे बच्चों से, कोई बच्चा कुछ मिसबिहेव कर लेता है, तो कहीं ना कहीं प्लान थोड़ा सा हिल जाता है। तो ऐसे केस में वो कैसे हैंडल करते हैं, वो कितने फ्लेक्सिबल है, शी अडैप्टेबल, या अपना बस वो अपना पटरी पकड़ा हुआ है एंड शी इज गोइंग टू जस्ट गो ऑन दैट ट्रैक, अपना लेसन प्लान खत्म करके निकल पड़े। उनको ये नहीं मालूम कि अगर क्लास में हेल्दी डिस्कशन स्टार्ट हो गया है तो उसको थोड़ा सा इंक्लूड करना है, बच्चे सीख रहे हैं, सब पॉजिटिव डिस्कशन, उसको सीख के भी आपको अपने गोल्स हैं लेसन के वो भी अचीव करने हैं, बट रिजिड नहीं होना। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स द लास्ट पॉइंट इज दैट बच्चों की इंगेजमेंट कितना करते हैं, डज शी इंगेज एवरी चाइल्ड, बिकॉज स्पेशली जब अब शाय बच्चे हो जाते हैं तो वो हाथ नहीं खड़ा करते, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी चाइल्ड समहाउ इज इंगेज। तो नोट करना, जो बच्चे हाथ नहीं खड़ा कर रहे, जो बच्चे चुप बैठे हैं, कॉर्नर बैठे हैं, अपने आंखें चुरा रहे हैं टीचर से, क्या टीचर्स में वो सेंसिबिलिटी है कि वो उनको भी इंगेज करें, बिकॉज वंस दे फील कि टीचर मुझे देख रहे हैं, दे स्टार्ट पेइंग अटेंशन, सो वो वट एवर रीजन। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लुक फॉर टीचर जिनमें सारे स्किल्स हों। इफ यू कीप दिस 10 फैक्टर्स इन माइंड, आई एम श्योर यू विल एंड अप हायरिंग द बेस्ट ऑफ टीचर्स। एंड ऑफकोर्स इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड लाइक दिस बटन, एंड सो आई नो दैट यू आर लाइकिंग दिस कॉन्टेंट एंड आई क्रिएट मोर ऑफ दिस। बट इनमें से आई वुड हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा आपको, जो आपको लगा वाओ ये चीज मुझे ध्यान नहीं था, बट अब मैंने ये वीडियो देख लिया अमोल सर का, तो मुझे अब नेक्स्ट टाइम से आई कीप दिस इन माइंड। सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स, इट विल ट्रूली मेक माई डे, बिकॉज जो कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म ये वे है थ्रू यूट्यूब वीडियो, मुझे आपके फेसेस नहीं दिख रहे हैं। नॉर्मली अगर मैं एक सेशन लेता हूँ, मुझे फेसेस दिखते हैं, कोई है स्माइल कर रहा है, कोई नोट्स बना रहा है, मुझे समझ आता है, लोगों को आ रहा है समझ। सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, इट विल मीन अ लॉट टू मी अगर आपने कोई बात बताई, और कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया तो वो भी प्लीज कमेंट्स में लिखिए, सो दैट आई नो दैट नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान दूंगा उस चीज का, एंड टू हेल्प अदर पीपल जो वीडियो को देख रहे हैं, जो और स्कूल लीडर्स हैं उनको भी और वो पॉइंट मिल जाएगा। एंड ऑफकोर्स अगेन वंस अगेन इफ यू आर प्लानिंग टू ओपन द स्कूल, अगर आप स्कूल खोल रहे हैं या अपने स्कूल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो प्लीज डू अटेंड माई वेबिनार ऑन हाउ टू ओपन अ सक्सेसफुल स्कूल, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है, एंड नीचे लिंक दिया गया, सो प्लीज रजिस्टर फॉर दैट एंड आई सी यू देयर। एंड द बेस्ट थिंग इज आपके जो भी क्वेश्चन होंगे स्कूल खोलने के बारे में, माई प्रॉमिस टू यूज आई आंसर ऑल योर क्वेश्चन लाइव इन द सेशन, सो इससे अच्छा क्या होगा, राइट? सो एंड अगेन, सो वंस अगेन आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड ऑफ कोर्स डू शेयर इट विद, अगर आप जानते हैं किसी और को जो स्कूल चला रहे हैं उनको भी वीडियो शेयर कर दो, उनका भी फायदा हो जाएगा। सो विश यू ऑल इन योर स्कूल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट इन योर स्कूल प्रोजेक्ट, आई होप यू आर एबल टू रन अ सक्सेसफुल स्कूल, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज, आई हैव पोस्टेड लॉट्स ऑफ वीडियोज, और अगर कोई और क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि ये क्वेश्चन है मेरा एंड यू लाइक मी टू आंसर, तो प्लीज कमेंट्स में वो भी लिख सकते हो, एंड आई आंसर देम, आइदर मैं मैसेज में आंसर कर दूंगा या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर स्कूल प्रोजेक्ट।